अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रोस। आज मैंने सब कामों का हल निकाल दिया है। ऑस्ट्रिया अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप आ जाके वो सही जगह पे। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरे से गलतियां हुई, जो मैंने प्रोसेस में सीखा और जो न्यू अपडेट्स हैं 2024 और 2025 का जो प्रोसेस है ऑस्ट्रिया का, वो मैंने एलैबोरेट कर दी है अपनी वेबसाइट बना के पर्सनल आप लोगों के लिए। परचेज किया है वो मैंने वेबसाइट और मैंने उसमें एलैबोरेट कर दी, ताकि लोगों से जो गलतियां हो रही हैं और जो रेजिडेंस परमिट की जो एप्लीकेशन पहले ही बुक करके बैठे हुए माशाल्लाह से जो लोग बच्चे, उनको भी ताकि ज़रा रहनुमाई हो सके। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो बेचारे जाना चाहते हैं यूरोप ऑस्ट्रिया जाना चाहने के लिए, एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल से वेट कर रहे थे और काफ़ी लंबे से प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, सो उन सब के लिए होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। इसमें मैंने सारे के सारे ईच स्टेप्स के अंदर एलैबोरेट की है। स्टेप वन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, स्टेप टू VFS, हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट, कैसे लेके चलना है, थर्ड स्टेप एडमिशन प्रोसेस, फोर्थ स्टेप आपने फिर दोबारा से रेजिडेंस परमिट के लिए क्या हल करना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स तो बुक हो चुकी हैं 2025 की, पूरे साल की अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हैं, उसका भी हल कैसे निकालना है, वो सारे स्टेप्स में मैंने एलैबोरेट किया। फिर उसके बाद रेजिडेंस परमिट के बाद हमारा वीज़ा डी आता है, उसका क्या है, सारा A to Z परमानेंट आपका मैंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया। अगर आप स्टडी इन ऑस्ट्रिया प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को भी दबा दो, ताकि आपको ये ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो मिलती रहे। और ये जो वेबसाइट है ये कीप अपडेटेड होती रहेगी, जो जो न्यू प्रोसेस आएगा, न्यू न्यू रूल्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली, सो स्टे ट्यून। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा यार, मैं बहुत थक गया हूं यार, मैं अभी बैठ के ये बना के अभी फ्री हूं। और यकीन जानो मैं कोई एक डेढ़ दिन से ये आप लोगों के लिए वेबसाइट रेडी कर रहा था। पहले मैंने स्टडी इन फ्रांस का कंप्लीट प्रोसेस गाइड किया, तो बिस्तर प्रोसेस का मैंने कंप्लीट गाइड किया। आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा, अटेस्टेशन से लेके फ्रॉम 0 to 100, लाइक फ्रॉम 0, लाइक अभी हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस, अभी अब यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हो, जो मुझे लाइक प्रॉब्लम फेस हुई, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया प्रॉपर। फेसबुक पे इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रुप बने हैं स्टडी इन ऑस्ट्रिया, 60,000 बंदे ऐड, किसी ने मुझे वहाँ पर ऐड नहीं किया माजद के साथ। और किसी लाइक व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ग्रुप हैं, उनमें भी मैसेज करो तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, मैंने देखा जब ये मैंने सीखा, अपने सीनियर दोस्तों बनाए, कुछ दोस्त हैं मेरे, कुछ रहने वाले रिलेटिव्स वहाँ के, मैंने सबसे पूछा, जो सीखा और जो मुझे सीखने को मिला उसके अकॉर्डिंगली मैंने फिर चैनल पे वीडियोस लगाई और आई अपलोडेड द वीडियोस एंड आई क्रिएटेड एन ग्रुप फॉर ऑल ऑफ माय कम्युनिटी। जो लोग ये वॉच करते हैं मेरा चैनल, उन लोगों के लिए स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप बनाया प्रॉपर। फ्रांस का भी मैंने बना दिया, उसका भी मैं लिंक अगली वीडियो में दूंगा स्कॉलरशिप के साथ। स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप बनाया, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इसको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना होगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद यहाँ बॉटम में आपको ना मोर पे क्लिक करके बाद आपको मेरे स्टडी इन ऑस्ट्रिया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर आके मेरे ग्रुप का ज्वाइन करो और वहाँ पर आपकी सारी की सारी क्यूरीज आपकी रेगुलरली हम गाइड करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और वहाँ पर मैंने सारे बच्चों को इस तरह ट्रेंड किया कि सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आपको किसी तरह गलत कमेंटिंग और बैड कमेंटिंग, बैड वर्ड्स की आप टेंशन लेना, मैं खुद ग्रुप को लीड करता हूँ, कोई गलत काम अलग है, कोई एक दूसरे को वो नीचा या ऐसा कोई गलत वर्ड नहीं यूज़ करेगा। आई टेक केयर ऑफ दिस ग्रुप एंड कम्युनिटी। एंड सो आज का टाइम जाए कि बिना टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको प्रॉपर दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट भी, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट स्टडी इन ऑस्ट्रिया, बट आप मेरी वेबसाइट विजिट करके स्टडी इन ऑस्ट्रिया के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चले आए, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। और आने से पहले सब्सक्राइब कर देना, फिर अगेन कह रहा हूँ, ताकि आप लोग करोगे, देखो मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए ऐसे प्रोसेस की वीडियोस लगाई जा रहा हूँ। और आगे जो प्रोसेस के लिए आप चाहते होगे वीडियोस के लिए, आप मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आप लोगों ने सर्च करके फ्री प्रोसेस की वीडियोस लगाता रहूँगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेंसी चाहते हैं तो ये मेरे आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, सो आप मेरे से पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, स्टडी इन ऑस्ट्रिया, स्टडी इन फ्रांस, और इनकी मैं कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी जो मैं रिसर्च करता जा रहा हूँ उन सब के मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। सो आ जाए, फिर मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइस, एज यू कैन सी नाउ माय लैपटॉप स्क्रीन, आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही होगी, और अब मैं आपको प्रोसेस का कम्प्लीटली गाइड करूंगा ऑस्ट्रिया के प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर बेशक आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट discoverwithsubhan.info
इसको मैं वेबसाइट को रोज़ रोज़ अपडेट कर रहा हूँ, रोज़ रोज़ कोर्सेज अपडेट कर रहा हूँ, सो डोंट बी वेरी, आपको ये वेबसाइट प्रॉपरली अपडेट मिल जाएगी कुछ दिनों के अंदर। अब ये वेबसाइट ऑन हो रही है और वेबसाइट को थोड़ा सा आपने ऑन होने देना, लोड होने देना है ताकि ना आपकी प्रॉपर लोड हो। अभी मैंने इसको वीडियो, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं। अब ये देखें, अब मेरी वेबसाइट के अंदर क्या आप आएंगे, आप अगर आपको अगर मेरे चैनल पे जाना होगा डायरेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आपको अगर मेरे से कांटेक्ट करना है और मेरा आप स्टडी नॉस्टिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने मेरे इसको इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे आपको इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है ये स्टडी नॉस्टिक एड सुभान व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर आप क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर मुझे आके फॉलो करना होगा, फॉलो किए बगैर आपको ग्रुप में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद उस यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आने से पहले आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मैं यहाँ पर देखें सारी की सारी लेटेस्ट मेरे पास अपडेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, स्टडी इन ऑस्ट्रिया, स्टडी इन फ्रांस, ईच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर चलते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अब वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे तब भी मेरे चैनल का लिंक तो मैंने आपके लिए आसानी कर दिया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन भी दिया है वेबसाइट पे, मेरी स्टोरी का, मुझे कैसे कैसे यूरोप जाने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने दुबई, बाकू और सऊदी अरेबिया ये सारे विजिट्स किए हुए हैं। इसके बाद मेरा आगे ऑस्ट्रिया जाने से पहले पहले मैं और काफ़ी कंट्रीज विजिट करना चाहता हूँ, मलेशिया, मुझे आई लाइक ट्रैवलिंग, सो दैट्स वाई आई लव यूरोप। यूरोप इसलिए मैंने चूज़ किया, यूरोप में जाने के बाद शेंजन वीज़े के अकॉर्डिंगली हमें 25 कंट्रीज़ में फिरने का हमें मौका मिल जाता है। सो इसके बाद आगे नीचे चलते हैं। यहाँ पर मैंने देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट पर ये मेंशन किया हुआ है, इफ़ यू विश टू मूव अब्रॉड फॉर द स्टडी पर्पज यू हैव टू अटेस्ट योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर एजुकेशनल सेक्टर, दिस वीडियो हेल्प यू ऑल योर ऑल कंसेप्ट विद इन 5 मिनट्स। आपको 5 मिनट्स के अंदर इस वीडियो के अंदर सारा का सारा प्रोसेस मिल जाएगा, ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम फ्रॉम बोर्ड, IBCC, मूफा, फ्रॉम HEC, फ्रॉम देन मूफा, ईच एंड एवरी थिंग मैंने उसमें एक्सप्लोर किया। उसके नीचे मैंने सारी पर्टिकुलर वीडियोज़ और प्लेलिस्ट बना के लिंक डाल दिए, अब यू कैन आप ये वॉच कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, देखें। सो आज आपको मैं कम्प्लीट गाइड करूँगा, हाँ तो ये यहीं पे स्टार्ट होगी, आप इसको जाके उधर भी देख सकते हैं, बाकी मेरी इस पर भी स्टार्ट हो जाएगी वीडियो, वेबसाइट भी देखें, बाकी यूट्यूब पे जाके देखेंगे वो आप लोगों के लिए इजी होगा। अच्छा, इसके बाद चूज योर स्टडी डेस्टिनेशन, ये इसको आप स्किप करके नीचे आएंगे, देखें ये मेरा स्टडी इन फ्रांस का आर्टिकल है, अब इस पर क्लिक करेंगे स्टडी इन फ्रांस पे चले जाएंगे, बट हमें अभी जाना है स्टडी इन ऑस्ट्रिया पे, तो हम यहाँ से वापस आएंगे और मैंने डायरेक्ट इस स्टडी इन ऑस्ट्रिया का ये जो वेब पेज का लिंक है ये मैं अपने YouTube पे जो वीडियो चल रही है अभी आप जो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अच्छा, फर्स्टली वेलकम टू माय वेबसाइट, सो गाइस वेलकम टू माय वेबसाइट एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक्स अलॉट फॉर सपोर्टिंग मी, आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, सो आई हैव दिस सब्सक्राइबर दिस कम्युनिटी, और आप मुझे और सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली आई मेक मोर वीडियोज एंड आई हेल्प यू टू complete your process, so all process, so here you can see that it's this is the study in Austria process and here your complete process guide to studying in Austria step by step process complete process hai. So step one hai document preparation, तो अगर आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रिया के किसी भी, ऑस्ट्रिया छोड़ें आप फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, किसी भी यूरोप, एशिया के किसी भी मुल्क में जाकर जॉब करना चाहते हैं या आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर के लिए मैंने आपको जैसे बताया, ये जो वीडियो, का लिंक है ना, ये जो मैंने बताया कि मेरी वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे ना, सो आप देखेंगे वो जो वीडियो है वो आपके फ्रंट पे आ रही होगी, प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे ना, जब आप लाइक जब आप वीडियोज़ में जाते हैं, अब यहाँ पर वीडियोस में जाते हैं, यहाँ पर मैंने इसका लिंक वैसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ से आपको लिंक ओपन करने के बाद आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे डायरेक्ट, अब जैसे स्टडी इन ऑस्ट्रिया में यहाँ पर भी मैंने इसका लिंक मेंशन किया, सो ये देखें ये लगा हुआ स्टेप बाय स्टेप ऑल गाइड, यहाँ से आप इसको क्लिक करने के बाद उधर पहुँच जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है, और ये मैंने यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ, इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यूट्यूब की ये वाली प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। सो अब इसमें बता देता हूँ, फॉर बैचलर्स एडमिशन, बैचलर्स के एडमिशन के लिए हमें अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। सो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में आ जाता है मैट्रिक की डिग्री आ जाती है और इंटरमीडिएट की डिग्री आ जाती है, ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अटेस्ट करवानी है अपने रिलेवेंट डिपार्टमेंट से, लाइक आप किसी भी पाकिस्तान की सिटी में रहते हैं, आप बेशक सखर रहते हैं, लाहौर, सरकोदा,
कराची, इस्लामाबाद, नो मैटर किसी भी सिटी से रहते, गुजरांवाला, पिशावर, किसी भी इलाके से रहते, आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से करानी डिग्री अटेस्ट। लाइक हमारा 22 लो हो रहा है, इस्लामाबाद का फेडरल है, तो उनको अपने बोर्ड से अपनी डिग्री वेरीफाई करानी है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफिकेशन करवाने के बाद इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC से टेस्ट करवाना है। और इनकी जो जितनी भी वीडियोस का है ना, वो इसमें बताया, आप वो जाके वॉच करना, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अभी इंट्रो दे रहा हूँ। अच्छा, अटेस्टेशन, हैव यू डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपने इसके बाद यहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। और उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक दिया, ये भी आपने कराना है। उसके बाद बैचलर्स के लिए आपने क्या प्रोसेस फॉलो करना है, अगर आपने मास्टर्स एडमिशन, ये मास्टर एडमिशन लिखा है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, सो बैचलर्स की डिग्री चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री के बेस पे आप PhD या MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने मास्टर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट दोनों टेस्ट करवानी है, चारों। तो अभी मास्टर्स के लिए अगर हम अप्लाई करें तो बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जैसे मैंने कराई है अपनी दोनों डिग्री बोर्ड और HEC, आपने ये जो डिग्रीज हैं ये HEC से टेस्ट होगी, वेरीफिकेशन ऑब्टेंड फ्रॉम HEC। जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है ये HEC से टेस्ट होगी, या मास्टर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होगी HEC से होगी, वो करवाने के बाद आपने मुफा से करा लेना। आपने लाइन वाइज चलना है, मैट्रिक, इंटर की डिग्री, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। आप बेशक आपने मास्टर्स के लिए जाना है, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप IBCC से भी अपनी डिग्री से टेस्ट करवा के रखें, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएंगी। तो ठीक है, ये खर्चा हो जाएगा आपका तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये का खर्चा है ये स्टेप वन का, ठीक है, 10,000 to 15,000 का ये खर्चा आ जाएगा। उसके लिए ये वीडियो है, ये आप जाके देखें और थोड़ा प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये तकरीबन आपका लेगा 1 to 5 months का प्रोसेस में टाइम लग जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप टू, आपने पहले जल्दबाजी नहीं करनी, प्रोसेस को प्रोसेस समझ के चलना है, तो आपको इसलिए मैंने वेबसाइट अपडेट की है। स्टेप टू में ये आता है कि आपने बुक करनी है अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल की, ठीक है। अब VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपने किस सेंस में, आपने शेड्यूल करनी है अपॉइंटमेंट अपने ऑस्ट्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना, आपने जब वहाँ से वेरीफाई करवा ली है अपने मुफा से, आपने फिर अपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी से आपने वेरीफिकेशन करानी है और लीगलाइजेशन करवाई है। लीगलाइजेशन करवाने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर हमने शेड्यूल अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, विजिट VFS ग्लोबल टू एन अपॉइंटमेंट, तो इसका मैंने डायरेक्ट लिंक डाला हुआ है, ये VFS ग्लोबल वाला। सो अब यहाँ पर जाएंगे डायरेक्ट VFS का लिंक भी ओपन हो जाएगा, अदरवाइज अब ये देखें यहाँ पर जाने के बाद बुक नाउ पे जाना है, अपने बुक नाउ पे क्लिक करना है और सीधा यहाँ डायरेक्ट वेरीफिकेशन के पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसको मैं प्रोसेस पे यहाँ से बंद कर देता हूँ। बाकी ये कि आप ना, इसके लिए मैंने ये वीडियो का लिंक भी डाल दिया, ठीक है, ये वॉच माई यूट्यूब गाइड फॉर दिस टिप्स एंड ये VFS का इसमें प्रॉपर गाइड है। अच्छा, इसमें आपने सेंटर चूज़ करना है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। अगर आप बेशक पंजाब में रहते हैं तो अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली लाहौर और इस्लामाबाद की, तो आप कराची से बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट की फीस है 14 यूरो आती है। अपॉइंटमेंट्स खुलती रहती हैं टाइम टू टाइम, थोड़ा टाइम बाद आप चेक किया करें मिल जाती है अपॉइंटमेंट, इसका इशू नहीं है, 2 से 3 महीने के मंथ के मार्जिन बाद मिल जाती है अपॉइंटमेंट। अच्छा, वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फी, अगर आपने जब 14 यूरो ऑनलाइन VFS की फीस की, ये सर्विसेज के थे उनके, मगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन की जो फीस है एम्बेसी की, ऑस्ट्रियन एम्बेसी की, वो है 28,500 पी केयर, वो जो आपने उधर VFS के सेंटर में जाके पे करनी है। आपने वहाँ जाके सबमिट डॉक्यूमेंट्स कराने हैं। आपने बैचलर्स के लिए अगर अप्लाई करना है तो अपने मैट्रिक और इंटर की डिग्री सर्टिफिकेट्स अप्लाई कराने हैं, बाकी मजीद चीज़ें अप्लाई ये आप करेंगे तो उसके बाद आपने वो जमा करा देना, वेरिफिकेशन की फीस पे करनी है, दैट्स इट, आपने वो आ जाना है। अब जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है वो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट डालेंगे, बाकी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डालने की मजीद जरूरत नहीं है ना, PCC डालने की कोई जरूरत नहीं, पैसे ज़ाया करने की। अच्छा, वेट फॉर पॉजिटिव रिपोर्ट, अब आपने वेट करना है, जब आप डाल आए पैसे जमा करा दिए आपने वेट करना है, आपने खुदारा अपने एम्बेसी को ईमेल नहीं करनी, आपने प्रोसेस के लिए आपने अपने प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर आप एम्बेसी को ईमेल करेंगे बार बार तो वो आपका प्रोसेस को डिले करेंगे, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, पूरा वर्ल्ड वाइड जो पंजाब है पूरा एक एम्बेसी के ऊपर डिपेंड है। सो प्लीज़ डोंट अवॉइड दीज मिस्टेक्स, आप ये अवॉइड करें इन मिस्टेक्स से। अगर आप ईमेल करेंगे आपका ही प्रोसेस लंबा होगा, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी, जब तक एम्बेसी को कोई फ्री स्लॉट नज़र नहीं है वो आपको अपॉइंटमेंट देगी। अगर आप लिख करेंगे बार बार ईमेल तो आपको स्पैम में डाल देंगे और आपको प्रोसेस में भी आपका लंबा और डिले होएंगे। सो मैंने जहाँ तक मैंने अपने प्रोसेस में फॉलो किया, मैंने बच्चों को देखा है, गाइड किए, कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड किए, जो मुझे ये पता लगा कि आपने एम्बेसी को तंग नहीं करना, आपको तकरीबन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 months और मैक्सिमम 6 months लग जाएंगे, वो आपको खुद ही एक लीगलाइजेशन की डेट दे देंगे। और 3 से 4 महीने के अंदर वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है, 2 से 1.5 माह 2 माह मैक्सिमम आपको लीगलाइजेशन की डेट मिल जाती है एम्बेसी से।
ठीक है, आपको जब लीगलाइजेशन की डेट मिलती है तो लीगलाइजेशन की जो प्राइस है वो 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट है। तो मैट्रिक जो बैचलर्स के लिए जाएंगे स्टूडेंट, उन्होंने मैट्रिक और इंटर की डिग्री डाली होगी, तो वो 80 यूरो 160 यूरो अपने डॉक्यूमेंट्स पर लगा के टेस्ट करवाएंगे। सेम मास्टर्स के लिए भी है, तो हमने बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करें 80 यूरो हमने पे करना है, 160 यूरो हम पे कर देंगे एम्बेसी को। चलें नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगर आपको इस चीज़ में कोई अपॉइंटमेंट को बुक करने में इशू हो, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। आपको यहाँ पर देखें, एंड वी आर बैक इन थर्ड, अब ये VFS की लिंक ओपन हो गया। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बुक VFS अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, मैंने अब ऑस्ट्रिया के प्रोसेस के लिए फ्रॉम 0 to 100 एडमिशन टू वीज़ा मैंने इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है। इसके अंदर मैंने जो जो जहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुँचा है मैंने वहाँ वहाँ की कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है। वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, एम्बेसी टूर, आपको डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, मूफा एच सी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसमें बताया। हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिशन भी क्लेगनफर्ड, TU Van, वियना, इसके एडमिशन की वीडियोज़ भी लगाई हैं। बाकी मैं और आने वाले दिनों में और वीडियोस जो भी होगी प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। सो आप ये लाजमी प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। जिस प्लेलिस्ट को क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो यहीं पर चलेगी, नहीं तो आप मेरी यूट्यूब पर जाके वॉच कर सकते हैं। अच्छा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाइए आपने आपको वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का 5 से 6 महीने का आपने ये दौरानिया गुजार लिया, आपको लीगलाइजेशन और डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। सो स्टेप 3 क्या है, अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज, आपने प्रिपेयर करने हैं लीगलाइज डॉक्यूमेंट जो आपको मिले हैं, अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी विद द डॉक्यूमेंट लीगलाइज इन स्टेप 2। जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं आपने वो आप लीगलाइज डॉक्यूमेंट के साथ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। इन वीडियोस मैंने जिस प्लेलिस्ट में वीडियोस लगाई हैं यूनिवर्सिटीज एडमिशन की, वो आप यूनिवर्सिटीज एडमिशन की यू मे वॉच दैट वीडियो लिंक, यू मे वॉच दिस प्लेलिस्ट लिंक फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट लिंक एंड कंप्लीट योर एडमिशन स्टेप। सो आगे आपने आगे नॉट दैट सम यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वाइल अदर सम अदर यूजर ऑनलाइन पोर्टल। सो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू एडमिशन देते हैं, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू और साथ आफ्टर दैट आपको रिक्वायर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली है। तो ये आपको मैंने चीज़ में एलैबोरेट किया है वो प्ले लिस्ट में। अच्छा प्रिपेयर फॉर राइट, जब आपका ये जो प्रोसेस चल रहा है ना ये 4 से 5 महीने का, इस दौरानी में मैं आपको मशवरा दूंगा पर बैचलर्स हैं या मास्टर्स हैं आइल्स कर लें। आपको आइल्स इसलिए कह रहा हूँ कि यार आपको ताकि आने वाले दिनों में प्रोसेस करके 5 से 6 महीने तो तकरीबन साल तक लग जाएगा, जिस तरह मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये 1 ईयर के प्रोसेस में हो जाएगा। तो 1 ईयर के प्रोसेस में आपको प्रिपेयर आइल्स तकरीबन 70% यूनिवर्सिटी ने कर दी है। तो बैचलर्स के लिए तो 100% कंपलसरी है, मास्टर्स के लिए 70-80% यूनिवर्सिटी ने कर दी है। सो इसलिए आप आइल्स को प्रिपेयर कर लें। यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस हैं वो टाइपिकली जो रेंज करती हैं वो 300 से 700 है, वो आपने वहाँ जाके पे करना था यहाँ पर। अच्छा उसके बाद आप गैदर अदर रिक्वायरमेंट्स, आप वो करें, आपने रिसर्च करें, रिलेवेंट कोर्सेज को प्रिपेयर करें, मोटिवेशन लेटर्स को और CVs को अपने ये स्टेप 2 के जो 4 से 5 महीने का दुरानी है इसके अंदर ही अपने सारी सारी चीज़ें आपने एलैबोरेट करनी है। 4 to 5 months इनफ टाइम है आपके लिए हर यूनिवर्सिटीज़ को कोर्स फाइंड करने के लिए, अपने आपको प्रिपेयर करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, ताकि आपको रिजेक्शन ना आए। सो और इसके बाद अलावा मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर्स के लिए 2.5 CGPA की रिक्वायरमेंट है और जो बैचलर्स के लिए है वो 70, आपको JKU में लेटेस्ट अपडेट आई है 80% जो है वो 2024 के जिन्होंने लेटेस्ट पासिंग किए उनके लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी उससे पहले 70% से नीचे मार्क्स हैं उनमें भी हो जाएगा एडमिशन, बट अगर 70% से भी नीचे मार्क्स हैं और 50% ईच सब्जेक्ट्स में वो क्लेगनफर्ड एक्सेप्ट कर रहा है। अगर 50% ईच है 70% नहीं है आपके ईच सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, सो आपको 2 ईयर्स का प्रूफ देना होगा अपने बैचलर्स का कि आपने उसमें 2.5 CGPA गेन किया है। चलिए ठीक है, अब आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया, सब कुछ हो गया, आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन लेटर आ गया, ठीक है। सब आपने क्या करना है, जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देना है उसके बाद आपने सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दी, उसमें आपको 2 से 3 महीने मिलेगी यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्स करने में। तो आपने उस दरियाने में क्या करना है, एक और VFS की अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS ग्लोबल से ही, आपने एडिशनल अपॉइंटमेंट बुक करनी है। रीज़न इज़ दैट ये आपकी अपॉइंटमेंट रेजिडेंस परमिट का काम देगी, क्योंकि बच्चों ने इतनी नाहली से काम किया कि अगले 1 साल की पूरी अपॉइंटमेंट्स बुक कर दी हैं। यार ये बहुत ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन मैं कहूँगा ये बहुत गलत बात है यार। आपने अगर आपका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने पहली रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन बुक की है, इस साल भी ऐसी हुआ था पहली रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन बुक की हुई थी, लीगलाइजेशन हुई नहीं रेजिडेंस परमिट, तो इस तरह ये गया दूसरे बंदों का सारा प्रोसेस मारा गया। ये प्रोसेस मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ या आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये गलत ना समझो, इस प्रोसेस को प्रोसेस लेके समझो ताकि आप लोगों को ईजी हो। अब पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने करनी है VFS अपॉइंटमेंट बुक सेम एज इट इज जो स्टेप 2 में था,
आपने एक अगेन पीसीसी की पुलिस कमिश्नर सर्टिफिकेट की अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने क्या करना है, वही ऑस्ट्रियन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लीगल है जैसे वाली अपॉइंटमेंट ली 14 यूरो पे करना है। वेरिफिकेशन पी जो है ना पीसीसी की वही 28,500। आप बेशक 10 डॉक्यूमेंट डालें चाहे एक डॉक्यूमेंट डालें, 28,500 फीस है ऑनलाइन, 14 यूरो ये फीस देनी पड़ेगी। सो उसके बाद वही प्रोसेस, अब जो एक पीसीसी डाला है इसकी ज़रा जल्दी आपको लीगलाइजेशन मिल जाएगी, 2 से 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने तक अंदर आपको लीगलाइजेशन आ जाएगी। सो उसकी कॉस्ट जो आएगी वही सेम 80 यूरो आएगी। आपने पीसीसी लीगलाइज करवाना है, उसकी लीगलाइजेशन की जब आपको डेट मिलेगी, ये ध्यान से सुने, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट की जब लीगलाइजेशन की डेट मिलेगी उसी दिन आपकी रेजिडेंस परमिट जो आरपी की एप्लीकेशन है वो फाइल हो जाएगी। सो आरपी की एप्लीकेशन उसी दिन आपने फाइल करनी है जिस दिन आपको लीगलाइजेशन की डेट मिली है, ठीक है। इसमें मैंने मेंशन किया सबमिट रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन ऑन द सेम डे। आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए आरपी के लिए, जिस दिन आपने लीगलाइज करवाने जाने पीसीसी उस दिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपने अपने फाइनेंशियल प्रूफ देना है 8,000 यूरो का, अगर आप 24 साल से नीचे हैं, लाइक आप देखें, अब अगर आप 23 साल के हैं 22 साल के हैं तब आपने 8,000 यूरो लगेंगे, और अगर आपकी आप 24 है और 24 होने वाले हैं 6 महीने रह गए हैं या 24 से ऊपर चले गए 24 हैं तो आपको 14,000 यूरो, इसके अंदर थोड़े से फंड्स इंक्लूड करने होते हैं, 360 यूरो आपकी जो है पर मंथ आपकी चलती है, क्या कहते हैं उसे, अकोमोडेशन का होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें आपने उसको मैयर करके आपने ये चीज़ों को लेते हुए मद्देनज़र रखते हुए आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये करने के बाद आपको ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद आपने आपको एडमिशन लेटर चाहिए इसके लिए जो आपको पीछे आपने बुक किया, लीगलाइज्ड पीसी चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए आपको, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, वो आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। रेजिडेंस परमिट फी 160 यूरो है, यहाँ पर 165 लिखा गलती से, मैं इसको ठीक कर दूंगा, बट 160 to 165 यूरो आप मद्देनजर रखिएगा, ऊपर नीचे रेट कट हो सकता है लेकिन 160 यूरो है इसका। अच्छा, बुक अकोमोडेशन, आपने अकोमोडेशन बुक तब करनी है, ये देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड है अकोमोडेशन। सो आपने अकोमोडेशन तब बुक करनी है जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, आपको एडमिशन लेटर आ गया, और इस दौरान में आपको ये 4 से 5 महीने लग जाएंगे तो आपको 3 से 4 महीने में यूनिवर्सिटीज़ का लेटर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी का लेटर आते ही आपने अकोमोडेशन बुक कर देनी है। अकोमोडेशन बुक आप करने के लिए हाउसिंग ऑस्ट्रिया को चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन डी को चूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लिंक्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बता दूंगा कैसे कैसे बुक कर सकते हैं, और उसके लिए मेरे स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कम्प्लीट गाइड मिल जाएगा। चलिए, आपने एप्लीकेशन डाल दी, आपको उस दिन जब लीगलाइजेशन का टाइम होगा वहाँ पर आपको 80 यूरो ये फीस देनी पे करनी पड़ेगी और 160 यूरो आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। सो इसमें ये होगा कि आपकी ये सारी आरपी सबमिट हो जाएगी, आरपी सबमिशन के बाद आपकी 1 से 1.5 महीने, सम केसेस में 2 महीने, सम केसेस में 3 महीने भी लग जाते हैं, और आपको जब तक आरपी आपकी फाइल नहीं होती, वीज़ा डी कंप्लीट नहीं होता, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके रखनी है, उसी में रखनी है। बाकी बैंक स्टेटमेंट की मैं डिटेल वीडियोस लगा दूंगा कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, फाइनेंशियल प्रूफ कैसे कैसे दे सकते हैं। अच्छा, ये जब हो जाएगा 3 से 4 महीने के बाद आपको 2 से 3 महीने या 1.5 महीने, अमित अब्दुल्ला एक दोस्त है उसकी 45 डेज में होगी थी। सो इसके बाद आपको क्या होगा, एम्बेसी एक अपॉइंटमेंट देगी, उसका नाम होगा वीज़ा डी। वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, शेड्यूल करना है एक अपॉइंटमेंट, वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट, मतलब कि आपको आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं करनी, आपको एम्बेसी की तरफ से वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग योर डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंस परमिट, आपको वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट जो दी जाएगी उसमें आपने जाना है। वीज़ा डी की फीस है 150 यूरो। आपने बुक का आपने एक डमी टिकट बुक करनी है, ट्रैवल टिकट के अलावा डमी टिकट होती है वो आपको मिल जाती है, मार्जिन ऑफ 14 डेज़ का आपने वो रख के बुक करनी है। और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए राउंड अबाउट, यही जो आपकी जो इसमें थी रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन में वही ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी वीज़ा डी में चल यूज़ हो जाएगी। उसके बाद आपने सेम ट्रैवल इंश्योरेंस को वही देखें, लिखा हुआ यूज़ द सेम ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रॉम योर रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन वैलिड फॉर 6 मंथ, आपने वही देनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा डी का आ जाएगा, फिर आप अप्लाई कर जाएंगे, और मेक श्योर जाने से पहले अपने जेब में 2,000 यूरो आप लेके जाइएगा। बाकी ये था कि आज की वीडियो के अंदर आई थिंक सो आपको कंप्लीट गाइड मैंने कर दी है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको प्रोसेस को 5 स्टेप्स में लेके चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका प्रोसेस कंप्लीट आपको रहनुमाई होगी होगी। बाकी है कि मैं आपको और जो लेटेस्ट इसके बारे में अपडेट्स हैं वो मैं आपको आपके अपडेट करता रहूँगा। बाकी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आपको हर बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे ऑस्ट्रिया के प्रोसेस के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइन मुझे और कमेंट्स में बताइएगा, जो को आपको समझ नहीं है तो मैं आपको भी गाइड कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, सो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।